अर्ज किया है गौर फरमाइएगा भाई, अर्ज किया है गौर फरमाइएगा। हंस गाते हुए भी रोता है, मोर रोते हुए भी नाचता है। ये जिंदगी का फंडा है यारो, कि गम वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात भला कौन सोता है। भाई आप सोच रहे होंगे यार ये स्वप्निल को क्या हो गया, यहाँ पे आके शेर व शायरी कर रहा है। एक्चुअली होता क्या है ना कि हर एक इंसान के अंदर एक शायर का कीड़ा होता है, और कभी कभी वो जो कीड़ा है ना वो काटना शुरू कर देता है। आज वो कीड़ा मेरे अंदर काट रहा था, तो मैंने सोचा चलो कुछ शेर व शायरी कर लेते हैं। चलिए फटाफट से आपका वेलकम कर लेते हैं, फिर आगे बॉलीवुड की खबरों पे नजर डालेंगे। नमस्कार, आदाब और सलाम। बच्चे बूढ़े या जवान, कमजोर या पहलवान, घर वाले या फिर मेहमान, सभी सुने लगाकर अपने कान। इस वक्त मैं आने की आपका दोस्त स्वप्निल दोबारा से आपके लिए लेके आया हूँ बॉलीवुड की कुछ दिलचस्प और गर्मा गर्म खबरें, ओनली ऑन योर शो जिसका नाम है बॉलीवुड ब्लास्ट। तो इस हफ्ते खिलाड़ी अक्षय कुमार की आंखों में आंसू आ गए। एक्टर अक्षय खन्ना का क्या है कहना अपने फादर विनोद खन्ना के ऊपर। हैप्पी बर्थडे स्वरा भास्कर। एक्ट्रेस तापसी पन्नो का क्या है कहना जुड़वा 2 मूवी के ऊपर। एक्ट्रेस रवीना टंडन का क्या है कहना फिल्म के ऊपर। बेगम जान गोस टैक्स फ्री इन झारखंड। खिलाड़ी अक्षय कुमार को हाल में ही कौन सा अवार्ड मिला है। आमिर खान साहब ने दंगल मूवी को पाकिस्तान में चलने से मना कर दिया, लेकिन क्यों? वह लेके करके पूरी न्यूज बताऊंगा बस कुछ गानों के बाद। एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। क्या सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है, और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम एक मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ, और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित, मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई, मैं उसके साथ निकल गई, मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स। ओ शट अप यार। यार एमके, आजकल तो 4G का जमाना है, तूने तो नया फोन लिया है ना, उसमें तो 4G है ना? उसमें तो 6G है। 6G, ये कैसे पॉसिबल है? अरे यार ये फोन डुअल सिम है, और दोनों सिमों में 3G 3G है, तो हुआ ना 6G। ओ शट अप यार। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudaan.com। कीप लिसनिंग एंड कीप लाफिंग विद रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।
टुंग टुंग है टुंग टुंग आज तेरे मेरे दिल विच लौड बजदा टुंग टुंग है टुंग टुंग आज टुंग टुंग बज टुंग टुंग बज टंग 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 टरारा टुंग टुंग बज टुंग टुंग बज टंग 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 टरारा टुंग टुंग दा साउंड करदा टुंग टुंग दा साउंड करदा टुंग टुंग दा सा तेरे मेरे दिल विच लौड बजदा अगेन वेलकम बैक टू रेडियो उड़ान। आप सुन रहे हैं स्वप्निल को बॉलीवुड ब्लास्ट में। एक्टर अर्जुन कपूर विल बी सीन इन अ बिहारी रोल फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर। वेल, एक्टर अर्जुन कपूर पहली बार अपनी अभी तक की लाइफ में हाफ गर्लफ्रेंड मूवी में एक बिहारी बॉय का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। अर्जुन ने बताया कि माधव झा बनने के ऊपर बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी रोल को प्ले करने के लिए, खासकर एक बिहारी टोन को लाने के लिए, बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस लैंग्वेज के पूरी डिटेल में जाना पड़ता है कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है और किस वक्त किस शब्द को इस्तेमाल करना है। उन्होंने ये भी बताया कि एक बिहारी बॉय का रोल प्ले करना आसान बात नहीं है। वेल, आगे कुछ और न्यूज। टिल देन यू एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Shut the wallet.
रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैंड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। हर वीकेंड आप सबका कोई ना कोई नया प्लान तो होता ही होगा ना, कभी फिल्म तो कभी यूं ही सिटी के सेंट्रल पार्क के बाहर सेल्फीज खींचना, या फिर कुछ भी मन ना करे तो घर बैठे बैठे अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर लो। आपको पता है, हम जैसे कई लोगों के लिए तो आपका ये वाला प्लान भी पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अब डेफिनेटली होगा। मेरा नाम मधु है, मैं देख नहीं सकती, आई एम विजुअली इम्पेयर्ड, बट यू नो व्हाट, नाउ गुड फूड टॉक्स। अगर आप नहीं समझे तो हम बताते हैं। गुड फूड टॉक्स है इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप, खास दृष्टिहीन, कम दृष्टि, बुजुर्ग, डिसलेक्सिक और ऑटिस्टिक दोस्तों के लिए। अब आप अपने मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। सक्षम एंड रेडियो मिर्ची इनिशिएटिव, लोकेशन पार्टनर बारबेक्यू नेशन। सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया। आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा, आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा, इन्ना सोना इन्ना सोना, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना ओ, इन्ना सोना ओ, इन्ना सोना, इन्ना सोना। ती
इतना सोना क्यों रब ने बनाया, इतना सोना क्यों रब ने बनाया, आवा जावा तेरे यारा नू मनावा, आवा जावा तेरे यारा नू मनावा, इतना सोना इतना सोना इतना सोना Once again, welcome back to Radio Udaan and aap sun rahe hain Swapnil ko Bollywood Blast mein. खिलाड़ी अक्षय कुमार की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन क्यों? वेल, खिलाड़ी अक्षय कुमार साहब ने आखिरकार अपने सपने को पूरा कर लिया. उनका एक सपना था कि वो हमारे इंडियन सोल्जर्स के लिए एक वेबसाइट को लॉन्च करें, और उन्होंने आखिरकार उस वेबसाइट को लॉन्च कर लिया जिसका नाम है भारत के वीर और इंडियन ब्रेवर्ट्स. अक्षय कुमार साहब को हाल ही में एक बहुत ही बड़ा अवार्ड मिला है, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे. लेकिन हम ये आपको बता दें कि अक्षय कुमार साहब को ये ऐप और वेबसाइट लॉन्च करने का आइडिया आखिर कहां से आया. अक्षय कुमार साहब ने बताया कि हाल ही में वो एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे टेररिस्ट के ऊपर, जिसको देखने के बाद उनका दिमाग में ख्याल आया कि एक ऐसा वेब पोर्टल बनाया जाए जो कि बेसिकली हमारे इंडियन सोल्जर्स के लिए ही हो. तो वहां से उनको ये ख्याल आया और उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाई और आखिरकार उन्होंने इस चीज को लॉन्च कर दिया. और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया, इस वेबसाइट को लॉन्च किया, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो सपना है वो पूरा हो गया. वेल, आगे कुछ और न्यूज. टिल देन यू एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो. तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है, लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी. अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता. तुम एक मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ, और कहीं जाना मत यहाँ से. ठीक है. हेलो श्रेया. हाँ सुमित. यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित, मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई, मैं उसके साथ निकल गई. मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे. काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते. इसीलिए दोस्तों, कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन. ये जो हल्का हल्का सुरूर है तेरे इश्क का ही फितूर है. मैंने जो लिखा था मिटा दिया और तुझको अपना खुदा किया. ये जो हल्का खा पिया, मैंने सांस लेना भुला दिया. जिस्म से रूह का एक सफर हो तुम, सांस में एक उम्र हो तुम. दुनिया की भीड़ में मुझको
दिखे क्या मैं तुमको दिखूं कहो ना तुम ये जो हल्का हल्का सुरूर है कुछ इश्क सा तो जरूर है मैंने जग ना सोना भुला दिया मुझे क्या से क्या है बना दिया तेरा जिक्र है कुछ मेरे बारे में कहो ना तुम ये जो हल्का हल्का सुरूर है तेरे इश्क का ही फितूर है मैंने जो लिखा था मिटा दिया और तुझको अपना खुदा किया किसी ने ना किया है जैसा इश्क तेरा मेरा मैं दौड़ता आता हूँ कोई नाम ले जो तेरा किसी ने ना किया है जैसा इश्क तेरा मेरा मेरे गमों की रात का तू उजला सवेरा रहने दो ना नशे में तुम फेरो ना नजर हल्का सा
बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली को, सर्दियों में गालों पे जो आती है वो लाली तो, रातों का सुकून, वेलकम बैक टू रेडियो उड़ान। आप सुन रहे हैं स्वप्निल को बॉलीवुड ब्लास्ट में। वेल, अक्षय खन्ना के फादर यानी कि विनोद खन्ना साहब की जो तबीयत है आजकल बड़ी नासाज चल रही है। हालांकि अभी बहुत ही जल्द उनके बेटे यानी अक्षय खन्ना साहब ने कंफर्म करके बताया कि उनके फादर विनोद खन्ना साहब डे बाय डे रिकवर कर रहे हैं। एक्चुअली विनोद खन्ना साहब को कुछ दिन पहले मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया क्योंकि उनको डिहाइड्रेशन हो गया था। वेल, हम भी ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि विनोद खन्ना साहब एकदम आप चंगे हो जाएं और हॉस्पिटल से बहुत ही जल्द बाहर आके अपनी शक्ल हम सबको दिखा दें। यू आर टोटली फाइन। वेल, हैप्पी बर्थडे स्वरा भास्कर। वेल, अनारकली एक्टर स्वरा भास्कर को हमारी पूरी बॉलीवुड टीम की तरफ से बिलेटेड वाला ही सही लेकिन मैनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। वेल, आगे कुछ और न्यूज़, टिल देन यू एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हर लम्हा देखने को तुझे इंतजार तुझे याद करके अक्सर रातों में रोज जगना बदला हुआ है कुछ तो दिल इन दिनों ये अपना जिस पल में नजर
तू ना आए, गर कहीं ऐसा पल हो तो इस पल में मर जाएं, मर जाएं, मर जाएं, मर जाएं, ओ मर जाएं, मर जाएं, मर जाएं, मर जाएं, ओ मर जाएं। तुझसे जुदा होने का तसव्वुर एक गुना सा लगता है जब आता है भीड़ में अक्सर मुझको तन्हा करता है। ख्वाब में भी जो देख ले ये रात की नींदें उड़ जाए, मर जाए, मर जाए, मर जाए, ओ मर जाए। अक्सर मेरे हर एक पल में क्यों ये सवाल सा रहता है, तुझसे मेरा ताल्लुक है ये कैसा, आखिर कैसा रिश्ता है। तुझको ना जिस दिन वो दिन क्यों गुजर ही ना पाए, मर जाए, मर जाए, मर जाए, हो मर जाए, मर जाए, मर जाए, मर जाए, हो मर जाए, मर जाए, मर जाए, मर जाए, ओ मर जाए। आजा
कभी 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 ऐसे दियों से लग है जाती आग भी धुले धुले से आंचलों पे लग है जाते दाग भी है वीरानों में बदलते मन के बाग भी सपनों में श्रृंगार हो तो दिए जल उठते हैं ख्वाहिशों के और शर्म के दिए जल उठते हैं आजा पिया आजा तेरे ही लिए जल Once again, welcome back to Radio Udaan. आप सुन रहे हैं स्वप्निल को बॉलीवुड ब्लास्ट में. No stress about Judwa 2, तापसी पन्नू. बहुत ही जल्द तापसी पन्नू वरुण धवन के साथ जुड़वा 2 मूवी में स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे. जुड़वा मूवी की बात करें तो जुड़वा मूवी 1997 की एक हिट मूवी रही थी और ये जुड़वा 2 मूवी उसका रीमेक वर्जन है. अब देखते हैं कि ये मूवी कितना कुछ हमारे पब्लिक को या फिर हमारी ऑडियंस को इंगेज कर पाती है. हालांकि तापसी ने बताया कि वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं है इस रोल को लेके और इस मूवी या फिर कैरेक्टर को लेके बिल्कुल भी नर्वस नहीं है. वल तापसी ने ये भी बोला कि ये अभी तक की उनके करियर की पहली मूवी है जिसके लिए वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं है और उनको पता है दैट शी इज गोइंग टू रॉक द होल यूनिवर्स. वेल आगे कुछ और न्यूज. टिल देन यू एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ.
पूरे दिल बेफिक्रे, पूरे दिल बेफिक्रे, अंगारों में निखरे, पूरे दिल बेफिक्रे, रात भर झूमेंगे, आसमां घूमेंगे, चांदिए चूमेंगे, तारों पे मारेंगे फेरे, पूरे दिल बेफिक्रे, पूरे दिल बेफिक्रे, अंगारों में निखरे, पूरे दिल बेफिक्रे. अगेन वेलकम बैक टू रेडियो उड़ान. आप सुन रहे हैं स्वप्निल को बॉलीवुड ब्लास्ट में. आई एम नॉट डाइंग टू वर्क इन फिल्म्स, रवीना टंडन. वेल एक्ट्रेस रवीना टंडन ने बताया कि वो फिल्म को करने के लिए बिल्कुल मर नहीं रही हैं. हालांकि उन्होंने बताया कि वो अपने लाइफ की उस स्टेज पे हैं जहां पे वो एक सेलेक्टिव वर्क को ढूंढ रही हैं और एक सेलेक्टिव काम ही करना चाहती हैं. उन्होंने ये भी बताया दैट फिल्म्स आर नॉट माय लाइफ, दे आर अ पार्ट ऑफ माय लाइफ. उन्होंने ये भी बोला कि उनके चिल्ड्रन हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनकी एक बहुत ही अच्छी लाइफ चल रही है, इसीलिए वो एक सेलेक्टिव काम करना चाहती हैं. वेल, रवीना टंडन ने ये किस लिए बताया और इसके पीछे का बेसिकली एम क्या था ये तो हम नहीं समझ पाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो थोड़ा दुख था वो तो जरूर दिख गया. आगे कुछ और न्यूज़, टिल देन यू एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. बचपन की डैडी कहते थे खोटा सिक्का चलेगा नहीं, मम्मी प्यार से खिलाती दाल चावल और दही, माँ के हाथों का वो जादू फाइव स्टार में नहीं. मर मर के मिली कॉलेज डिग्री, मेरी जॉब एक ट्रेजेडी अच्छो सैलरी, एक लड़की मिली थी वो भी डंप कर गई, डंप होने को बैठा हूँ कोई मिले तो सही. ओ पंडा सीता रब दाम है, डिटो तेरे वर्गा में, काम गलत कोई करता
नचली बट लाइफ कोई हनी सिंह वीडियो नहीं दिन को मैं चाहे जितना भी हीरो होता हूँ रात को तकिए की जप्पी लेके सोता हूँ कभी कभी किसी पार्टी में ज्यादा हो गई तो याद करके पुरानी बातें खूब रोता हूँ बंदा सीता रबदा मैं डिटो तेरे वर्गा मैं एक बारी हाथ फड़ ला
वंस अगेन वेलकम बैक टू रेडियो उड़ान। आप सुन रहे हैं स्वप्निल को बॉलीवुड ब्लास्ट में। बेगम जान गोस टैक्स फ्री इन झारखंड। वेल, बेगम जान मूवी अभी तक थिएटर्स में नहीं लगी और न्यूज और खबरों में आना बेगम जान मूवी शुरू हो गई है। जी हाँ, झारखंड के चीफ मिनिस्टर यानी रघुबर दास जी ने फिल्म को रिलीज होने के पहले ही 50 लाख रुपीस का चेक फिल्म की टीम को दिया और ये अनाउंसमेंट कर दी कि झारखंड में जो मूवी है वो बिल्कुल टैक्स फ्री है। वेल, लता मंगेशकर, आशा पारेख, विनोद खन्ना रिकवर सून। बिल्कुल, और मैं पूरी रेडियो उड़ान की तरफ से भी हम विनोद खन्ना साहब जल्दी रिकवर हो जाएं इसकी ऊपर वाले से दुआ करेंगे। मैं यानी कि आपका दोस्त स्वप्निल आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप चाहो तो मेरे को फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हो, आप मेरे को सर्च कर सकते हो RJB स्वप्निल के नाम से, और नहीं तो आप चाहो तो मेरे को व्हाट्सएप पे भी अपने मैसेजेस और कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 760777748। बाय बाय, टेक केयर।